नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। जब से केंद्र सरकार ने कृषि कानून बिल लाया है, तब से देश में उबाल है। वह चाहे किसान संगठन हो या फिर विपक्षी पार्टियां हो, हर किसी न किसी रूप में लोग किसान को समर्थन दे रहे हैं। हालांकि देश के किसान जो हैं दिल्ली में अपना प्रोटेस्ट जारी कर रखे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भारत बंद का कॉल किया गया, जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियाँ जो हैं वो इसमें भागीदार बने। और आज यहाँ पर पप्पू यादव, जो कि जाप के पूर्व सांसद पप्पू यादव, और आज अनिश्चितकालीन धरना, जो कि किसानों के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। हालांकि यह अनिश्चितकालीन धरना 3 दिन से जारी है, जिसमें आज भी पप्पू यादव इस धरना में सम्मिलित हुए हैं और कल भी यहाँ पर सम्मिलित हुए थे। उनसे हम जुड़ेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर इस धरना के माध्यम से क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। जी, उसके पास कोई मंडी बाजार या पैक्स के लिए नहीं होता। पैक्स को आप पैसा देते हैं? नीतीश कुमार जी, मेरा पहला सवाल है, पैक्स जो खरीदारी करेगा, तो नीतीश कुमार जी ये बताएं कि कितने अभी तक पैक्स को, विभिन्न पैक्सों को पैसा गया, ये मेरा नीतीश कुमार जी से सवाल। दूसरा नीतीश कुमार जी से सवाल है, जब हमारे, क्या आप कोई भी फसल जब हम काटते हैं तो क्या उस फसल की खरीदारी पैक्स करती है? वक्तों के बाद जब बिचौलिया बिहार के किसानों से अनाज उगाही कर लेता है, उसके बाद तय करता है पैक्स दलाल पदाधिकारी मिलकर, और हम खेत में और दरवाजे पर अनाज को बेचकर बाहर चले जाते हैं, तो एक तो हम अपनी जिंदगी को जीते हैं तो हम आंदोलन करने वाले लोग बाहर चले गए। दूसरी चीज, नीतीश कुमार जी आपने कहा कि हम मंडी सिस्टम को खत्म कर पैक्स सिस्टम को लाए, तो पैक्स सिस्टम के बारे में आपकी ओपिनियन क्या है, ये पूरे बिहार से आप पूछ लीजिए, सर्वे करा लीजिए, जांच करा लीजिए, पैक्स में कितना घोटाला होगा इसकी कल्पना नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं किया जा सकता कितना बड़ा घोटाला पैक्स में हो। आप जांच करा लीजिए, सभी लोग इसमें पकड़े जाएंगे। चौथी चीज, जब किसान यह कह रहा है कि आप कृषि को उद्योग का दर्जा दे दो या आप किसान के फसल को 1867 रुपये में आप तय करो कि हम इसको खरीदेंगे, आप कानून ले आओ, दोनों पक्ष, दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष संयुक्त सत्र को बुला लीजिए और संयुक्त सत्र बुला करके आप बिहार में कानून बना दीजिए कि किसान अपना फसल पैक्स को सुविधा हो तो पैक्स को, मंडी सिस्टम को लागू करिए मंडी को सुविधा हो तो मंडी को, सरकार जो संयुक्त सत्र में निर्णय लेता है उसी आधार पर फसल को पैदा करे। एक यह सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लीजिए। चौथी चीज, जमाखोरों को राइट जो कानून में दिया जा रहा है, तो ये आप हमको बताएंगे ना कि जमाखोरों को ये राइट क्यों दिया जा रहा है। पांचवी चीज, हमारे यहां कहीं धान है, कहीं मक्का है, कहीं मखान है, कहीं गेहूं है, कहीं जूट है, अलग अलग भौगोलिक सामाजिक दृष्टिकोण से लोग खेती करते हैं, एक परंपरागत खेती से अलग है। तो आप हमको जरा बता दीजिए मक्का की क्या स्थिति है, गन्ना क्या छोटे किसानों का बिल पहुंच जाता है, मखान का क्या बाजार है, धान और मक्का डंप है कि नहीं है, और जो बिहार की राजनीतिक परिवेश है, सामाजिक परिवेश है, वो किसान से ज्यादा जाति में बटा हुआ है, धर्म मजहब में बटा हुआ है,
अपराधी और माफियाओं के बीच बटा हुआ है। तो आप हमको बताइएगा ना जनाब, हम जानना चाहते हैं इस बात को लेकर के कि ये बांटने वाले कौन हैं? आप लोग दलित महादलित, हिंदू मुसलमान, पसमंदा गैर पसमंदा, माई जात, बैकवर्ड फॉरवर्ड, अब किसान को भी आप जाति बना दिए, मर्डर को भी आप जाति में नेता देखते हैं, बलात्कार को भी जाति में नेता। तो जिस बिहार में मर्डर और बेटियों का मूल्यांकन भी बलात्कार का जाति में हो, और जहां पर जिस बिहार में नील की खेती ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के जड़ता बिहार में शुरुआत हो, तो कहीं ना कहीं से किसी को एक क्रांति करनी होगी, इसको आप समझिए। तो जन अधिकार पार्टी जो भारत सरकार के द्वारा 3 घंटे में जो गलत कानून लाया गया, उस कानून के खिलाफ, और आप कानून बनाइए कि किसान अपने फसल की कीमत खुद लगाए, और एक राइट मिलना चाहिए। अब हद हो गया हिंदुस्तान के इतिहास में पूंजीपतियों की दलाली करते करते। तो आर पार की लड़ाई 21 तारीख तक किसान बिहार के हर जिले में डे नाइट धरना प्रदर्शन चल रहा है, कहीं भूख हड़ताल, कहीं धरना प्रदर्शन। 22 तारीख को किसान न्याय मार्च, हम लोग यहां से राजभवन की ओर चलेंगे, किसान न्याय मार्च। आज वेदना है, तो ये जो किसान वेदना, ये लगातार किसानों के द्वारा जो आंदोलन हो रहा है, इसको मान के चलिए कि बिहार पूरे भारत के किसानों के साथ खड़ा है, लड़ने और मरने की तैयारी। देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि चुकी है, देश बदलाव मांगा भी इसको देखने के लिए। भैया, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान, जब लोकतंत्र का और जनतंत्र का सम्मान नहीं है, और वोट और सियासत के लिए जब हम भाई को, पड़ोसी को, समाज को काट सकते हैं, मार सकते हैं, जब इंसान को जानवर से बदतर बना देंगे, सत्ता और कुर्सी हमारी प्राथमिकता हो जाएगी, और हमारे लिए लोकतंत्र, संविधान और जनतंत्र जुबरकर और गूगल के मालिक और अदानी अंबानी तय करेगा, और पहले ही सारी संस्थाएं और व्यवस्था ने गंभीरता दिखा दी है, तो आप हमको बताएंगे ना कि क्या परिस्थिति बनेगी। तो इस लड़ाई को हम लोग मजबूती के साथ सवाल खड़ा किए हैं और लड़े। तो ये थे पूर्व सांसद पप्पू यादव, जो कि किसानों के हित के लिए, किसानों के समर्थन में 3 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं, और उनका साफ तौर पर केंद्र सरकार और साथ ही साथ बिहार सरकार से यह मांग है कि कृषि बिल जो लाया गया, जो किसानों के प्रति, किसानों के खिलाफ में जो कृषि कानून बिल लाया गया, उसको अविलंब वापस लिया जाए, और जिसको लेकर के 22 मार्च को यह राजभवन मार्च भी इनकी पार्टी करने वाली है। रजनीश, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।